इसी तरह से अपन कुछ और भी किसान भाई से बातचीत करांगा ट्रेप का बारे में जिन्होंने लगा कर लियो है। राम राम मारना नाम सुरती बाई है मी जमासी रहने वाली छे तो खेत में डबड़ा कसेला छे दुई साल से गए साल भी नहीं साल भी कसिया तो आप जाए देख जे तो वो पाँच छः पाँच छः फुदीने पड़ी जाए तो फिर आपनों को मालूम हो जाए कि आप का जे अभी खेत में बिलोड़ आने वाली छे जब हमने दवा छिटना शुरू कर देवा मान के अभी विलड़ आने वाली छे खेत में तो अभी दवा की छिटने की शुरू कर देवे उकासी फिर अपन पहले का हुए कि हो अपना पत्ता सब खाई जाता था जब देखता था न अभी छेची ना डबड़ा के कसा ले लियो तो उनमें में फुद दिन जाए तो अभी मालूम पड़ जाए कि हाँ अभी हलड़ आने लगी अभी अपन दवा छिटू करके मैं दवा छिट तो नाम रुमाली छे से दलित किसान समूह में में ते ये काम हम डब्बा गाड़ते जाए नाम ये काम कर दे तीन की चार साल है ये पर ये डब्बा हम गाड़ दे तेरे में आप जो सीधी छः की सात आवेन भरा जाए ते समझ जाओ कि मैं इल्ली आई रही ऐसे करें मारा खेत में मैं दवा छिटकावनी शुरू कर राम राम हूँ गाँव पांडुता में चंदा मारो नाम है और ये डबरा हमने एक असर लगाया हमारा दो तीन साल हो गया डबड़ा लगाते लगाते एक असर लगाया मैंने डबरा हमारी फसल में इल्ली पड़े कई हो तो मैं मालूम नहीं पड़े नहीं डबड़ा ना सा जल्दी मालूम पड़ी जाए कहीं ना डबड़ा नाम फुद्दी घुसे तो मेरे समझी जाऊँ कहाँ अब अपने इस फसल में इल्ली पड़ने वाली है और डबड़ा नहीं रहता तो कहीं मालूम पड़ते मारे अभी इल्ली ना तो सब पत्ता खाते ही नहीं बारी बारीक डिकुर फूटे भी सब खाई जाते फिर फल इन नहीं बटन में डिकुर फूटते फूल न डिकूर न सब खरीचाई तो फिर फरीद नहीं बैठाऊँ मैं तो एक असर में डबड़ा अभी दो तीन साल पहले लगे रही हूँ इन्हें ना से हमारा बहुत फ़ायदा है तो फसल अच्छी हो फिर डबड़ाना है तो एक में एक हमारा इली भी नहीं पड़े इली पड़े तो फुदी आई जाए डबड़ाना में मग तो मालूम पड़ जाए हाँ इली पड़ेगी मार्केट में तो बस दो चार फुदी आई जाए डबड़ा में तो हम फिर नीम की दवा बनाई घर है तो वह दवा छिड़कना शुरू कर दें सोयाबीन में तो पत्ता ने खाई सोयाबीन का फिर सोयाबीन को फल भी अच्छा है ध्यान जो फिर ट्रैप का सोयाबीन के अलावा चना कपास मूंग उड़द चावला में भी लगाई सकता